भगवान सूर्य के पुत्र शनि देव के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, क्योंकि भगवान शनि देव के नाम से ही हर व्यक्ति डरने लगता है, क्योंकि शनि की दशा एक बार शुरू हो जाए तो 7.5 साल बाद ही पीछा छोड़ती है। लेकिन कहा जाता है कि हनुमान जी के भक्तों को शनि देव से डरने की तनिक भी जरूरत नहीं होती है। ऐसा क्यों कहा जाता है, चलिए यह हम अपनी इस कहानी में जानते हैं। यह बात कलयुग की ही है। एक दिन अजर अमर पवन पुत्र हनुमान जी संध्या के समय अपने आराध्य श्री राम का स्मरण कर रहे थे। उसी समय शनि देव उनके पास आकर विनय पूर्वक परंतु कर्कश स्वर में यह बोले थे कि मैं आपको यह सावधान करने के लिए आया हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस क्षण अपनी लीला का समापन किया था, उसी क्षण से पृथ्वी पर कलयुग का प्रभुत्व हो गया था। इस कलयुग में कोई भी देवता पृथ्वी पर नहीं रहते हैं, क्योंकि जो भी इस पृथ्वी पर रहता है उस पर मेरी 7.5 की दशा अवश्य प्रभावी होती है। अतः अभी मेरी यह 7.5 की दशा आप पर भी प्रभावी होने वाली है। शनिदेव की यह बात सुनकर हनुमान जी ने तब उनसे यह कहा था कि जो प्राणी या देवता भगवान श्री राम के चरणों में आश्रित होते हैं उन पर तो काल का प्रभाव भी नहीं होता है। यहाँ तक कि प्रारब्ध के विधान भी राम भक्त के समक्ष प्रभुत्वहीन हो जाते हैं। इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं और चले जाएं, क्योंकि मेरे शरीर पर भगवान श्री राम के अतिरिक्त दूसरा कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता है। हनुमान जी की यह बात सुनकर शनिदेव ने तब यह कहा था कि मैं सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हूँ, आप भी इसी पृथ्वी पर रहते हैं, अतः आप भी मेरे प्रभुत्व से कैसे बच सकते हैं। आप पर मेरी 7.5 आज इसी समय से प्रभावी हो रही है, अतः मैं आज और अभी आपके शरीर पर आ रहा हूँ, इसे कोई भी टाल नहीं सकता है। शनिदेव की यह बात सुनकर हनुमान जी ने तब यह कहा था कि ठीक है, आपको आना ही है तो आ जाइए, मैं आपको रोकूंगा नहीं, परंतु यह बता दीजिए कि आप मेरे शरीर में रहेंगे कहाँ। तो शनिदेव ने बड़े गर्व से हनुमान जी से यह कहा था कि मैं अपने 7.5 में 2.5 वर्ष प्राणी के सिर पर बैठकर उसकी बुद्धि को विचलित करता रहता हूँ, फिर 2.5 साल प्राणी के उदर में बैठकर उसके शरीर को अस्वस्थ बनाता हूँ, और अपने 7.5 के अंतिम 2.5 वर्षों में प्राणी के पैरों में रहकर उसे भटकाता हूँ। इतना कहकर शनिदेव जी हनुमान जी के मस्तक पर आ बैठे थे, जिससे हनुमान जी के मस्तक में खुजली होने लगी थी। तब हनुमान जी ने अपनी उस खुजली को मिटाने के लिए एक बड़ा सा पर्वत उठाकर अपने सर पर रख लिया था। तब शनिदेव उस पर्वत से दबकर घबराते हुए हनुमान जी से यह बोले थे, यह आप क्या कर रहे हैं। तब हनुमान जी ने शनिदेव से यह कहा था कि जिस तरह आप सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने स्वभाव से विवश हूँ, मैं अपने मस्तक की खुजली इसी प्रकार मिटाता हूँ, आप अपना काम करते रहिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। यह बोलकर हनुमान जी ने एक और बड़ा सा पर्वत उखाड़ कर अपने सिर पर रख लिया था, जिससे शनिदेव और भी अधिक दबने लगे थे। पर्वतों से दबे हुए शनिदेव जब बुरी तरह परेशान हो गए थे तो वह हनुमान जी से यह बोले थे कि आप इन पर्वतों को नीचे उतारिए, मैं आपसे संधि करने को तैयार हूँ। शनिदेव के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने एक तीसरा बहुत बड़ा पर्वत उठाकर अपने सर पर रख लिया था। तीसरे पर्वत के बोझ से दबकर शनिदेव चिल्लाने लगे थे और तब यह बोले थे कि मुझे छोड़ दो, मैं कभी आपके समीप भी नहीं आऊंगा। परंतु फिर भी हनुमान जी नहीं माने थे और एक चौथा पर्वत भी उठाकर अपने सर पर रख लिया था। तब इस बुरी विपत्ति में फंसे शनिदेव जी ने हनुमान जी की विनती करते हुए यह कहा था कि मुझे छोड़ दो पवन पुत्र, मैं कभी उन लोगों के समीप भी नहीं आऊंगा जो आपका स्मरण करते होंगे, कृपया मुझे अपने सिर से नीचे उतर जाने दो। शनिदेव का यह वचन सुनकर हनुमान जी ने तब अपने सर से पर्वतों को हटाकर उन्हें मुक्त कर दिया था। तब से शनिदेव हनुमान जी के समीप नहीं जाते हैं और हनुमान जी के भक्तों को भी तंग नहीं करते हैं।